إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخرا وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی شفاعت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی دل میں بسا سارے محبت حضور کی دل میں بسا سارے محبت حضور کی جنت میں پھر ملے گی رفاقت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی
हौज पर मिलेंगे जाम मदनी करीम से, मिल जाए सबको पानी चाहत रसूल की, मिल जाए सबको पानी चाहत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। कुरान में लिखा है पढ़कर तो देखिए, जहन्नम से भी बचाएगी इताअत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। सदीकी दुआ करता रब्बे वफूर से, सदीकी दुआ करता रब्बे वफूर से, हशर में अता हो शिफात रसूल की। हशर में अता हो शिफात रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी शिफात रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। हर किस्म दी तारीफ तकदीस की बड़ियाई बड़ाई बड़ियाई शहनशाही अल्लाह वहदहू ला शरीक वासे, जो कायनात दा खालक भी है मालक भी है रासक भी है दाता बिगड़ी बनाने वाला गंज बख्श दस्तगीर लजपाल है। दुरूद व सलाम ताजदार मदीना वालिय बतहा बदरुद्दुजा शमसुजुहा अफसरुल अंबिया अकरमुल अंबिया अशरफुल अंबिया इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुरसलीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उते होन, जिस आका ने सानू जुल्मत और जहालत दे अंधेरे चो कढ के नूरो सिया रोशनी हदायत दी तरफ साडी रहनुमाई फरमाई। दोस्तो बुजुर्गो भाइयो, सिलसिला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले दे नाल आज 99 जुमा तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं। शिफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले दे नाल क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस से अंदर फरमाया, फमा लना मिन शाफीन, कोई किसे दी सिफारिश नहीं करेगा। क़यामत दा दिन बड़ा ही मुश्किल दिन है, ना बाप कम आएगा ना बेटा कम आएगा ना माँ कम आएगी। दुनिया के सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। मन सल्लदी यशफाउ इंदहू इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत के अंदर सिफारिश वो कर सकेगा जिन्हों अल्लाह इजाजत देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाजत तो बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। और दूसरे मुकाम जो सूरत तौहा के अंदर अल्लाह तआला ने फरमाया, यौम इज़िल्ला तनफ़ाउ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व रसिया लहु क़ौला, उस दिन किसे दी सिफारिश नफा न देगी सवाए ओ दे जिन्हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ इजाजत होवे, व रसिया लहु क़ौला, और जेदे बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हुक्म होएगा उसे बंदे दी ही सिफारिश होएगी। उस हट के किसे दी सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हां कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारक के अंदर इस चीज को बयान किया, सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल करनी। वो कबूल करते आ जाए तो अपने अंबिया दी नेक लोगा ने कबूल कर ले, ना करते आए तो अपने बरगुजीदा नबिया दी सिफारिश कबूल ना करे।
जिस तरह के सूरत हूद 12वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह दे नबी नूह अलैहि सलाम जिस वक्त अपने बेटे नू पानी दे अंदर डुबदा देखिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नू आखिया, या अल्लाह तू मेरे नाल वादा कीता सी मेरे अहल नू गरक नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा बेटा मेरे अहल चो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नहू लैस लहू मिन अहली के तेरे अहल चो नहीं, क्यों एदे कम चंगे नहीं और दोबारा मेरे को सिफारिश नहीं करनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूह अलैहि सलाम की सिफारिश कबूल न की और अपनी अखां के सामने पानी के अंदर डुबदा देखिया नूह अलैहि सलाम ने। और इस तरह अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहि सलाम शान बड़ा मुकाम बड़ा इज्जत बड़ी। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है क्यामत का दिन होएगा इब्राहिम अलैहि सलाम जिस वक्त अपने बाप आसर दे कोलों गुजरन गए तो आसर इब्राहिम अलैहि सलाम नु वाजा देगा बेटे मेरी गल सुन ले। इब्राहिम अलैहि सलाम फरमान गए अबू जान दुनिया ते तुसी मेरी ना फरमानी की थी। आदम इब्राहिम अलैहि सलाम दा बाप कहेगा बेटा आज मैं तेरी ना फरमानी नहीं करांगा तो मेरी सिफारिश करो। इब्राहिम अलैहि सलाम अल्लाह नु कहेंगे या अल्लाह तू मेरे नाल वादा कीता सी वला तुख्जिनी यौम युबअसून, क्या इब्राहिम तू मेरा खलील है मेरा दोस्त है मैं क्यामत वाले दिन तेनू रसवा नहीं करांगा, अल्लाह एदे नालों बड़ी रसवाई की है तो मेरा बाप मेरी अखां दे सामने जल रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमान गए इब्राहिम अपने पैरां दी तरफ देख जिस वक्त देखेंगे तो एक ज़िबाशुदा खून न लुथड़िया होया जानवर नजर आएगा जिन्हों पैरां तो पकड़ के जहन्नम के अंदर सुट दिता जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमान गए इब्राहिम मैं तेरे बाप की शक्ल तब्दील कर दिना ताकि वेख के तेनों तकलीफ ना होवे लेकिन अपना फैसला तब्दील नहीं करांगा। इब्राहिम अलैहि सलाम की सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल ना की थी। और इसे तरह सूरत तौबा 10वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई दा जनाजा पढ़ाया और अपना लुआब उदे मुंह दे अंदर पाया अपनी कमीज पहनाई अपनी गोद दे अंदर उदा सर रखिया अपना लुआब उदे सारे जिस्म ते मलिया और उस तो बाद अपने हत्था ना कबर ते दफन कीता दुआ कीती। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने आपने लंबियां लंबियां दुआवां कीतियां उस जनाजे दे अंदर लेकिन अल्लाह तआला ने फरमाया इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाह लहुम। ऐ मेरे नबी एक दफा सिफारिश नहीं अगर 70 दफा भी करें तो मैं नु माफ नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुख्तारे कुल जाते और मनन ते आ जाए तो छोटियां छोटियां चिंटियां दी मन ले ना मनन ते आए तो अपने नबियां दी ना मनने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल ना फरमाई तो अल्लाह तआला ने कुरान दे अंदर फरमाया वमिन अल-लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा बासका रब्बुका मकामन महमूदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे नबी तहज्जुद दी नमाज पढ़िया करो। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तहज्जुद दी नमाज पढ़ोगे ऐ तुहाडे वास्ते नफल हो जाएगी और क्यामत वाले दिन अल्लाह तुहानु मुकामे महमूद अता करेगा। मुकामे महमूद उस जगह जिस जगह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत दी सिफारिश करनी तो अल्लाह तआला ने वज़ाहत फरमा दी मंज़िल लज़ी यस्तौ इल्दहु इल्ला बिइज़्नी। अल्लाह सिफारिश होदी अल्लाह सिफारिश हो करेगा अल्लाह दे जिन्हों अल्लाह इजाजत देगा। अल्लाह की इजाजत तो बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शान सुन लो मुकाम सुन लो मुसलमानों आपने फरमाया आना सय्यिदुल दी आदम वाला फखरा। ए लोगो क्यामत वाले दिन आदम की सारी औलाद का सरदार मैं होवांगा लेकिन कोई फखर वाली गल नहीं। आपने फरमाया वाना अव्वलु मन तनशक्कुल अर्ज़ु वल यौमल क़ियामा। आपने फरमाया क्यामत वाले दिन सब तो पहले मेरी कबर फटेगी मैं अपनी कबर चो निकलांगा। वला फखरा लेकिन ऐ दे अंदर फखर वाली गल नहीं। वाना अव्वलु शाफीन। आपने फरमाया क्यामत वाले दिन
सब तो पहले मैं सिफारिश करांगा वाना अव्वल मुशफ्फईन और सब तो पहले अल्लाह मेरी सिफारिश नु मनणगे वला फखरा लेकिन अदे अंदर फखर वाली गल नहीं वली बाउल हमद बियदी यौमल कियामा। आपने फरमाया कयामत का दिन होएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत तारीफ वाला हमद वाला झंडा मेरे हाथ के अंदर होएगा और सारे नबी आपने फरमाया मेरे झंडे दे थल्ले होंगे वला फखरा लेकिन अदे अंदर कोई भी फखर वाली गल नहीं। आ मुसलमानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शान सुनो आप दा मुकाम सुनो सिलसिला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले दे नाल 99 जुमा शिफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन वाले हो। सही तिर्मिज़ी इब्ने माजा दे अंदर हदीस मौजूद है सैयदना औ बिन मालिक अशअई रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतदरूनी मा खय्यरनी अतदरूना मा खय्यरनी ए मेरे सहाबा तुसी जानदे हो अल्लाह ने मेनू केड़िया चीजा दे इख्तियार दिता। सहाबा कह लगे सोनिया सानू इलम नहीं। आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेनू इख्तियार दिता दो चीजा दे दरमियान। अल्लाह तआला ने फरमाया ए मेरे नबी यहां ते तुहाडी अद्धी उम्मत बगैर हिसाब तो जन्नत च दाखिल कर दवांगा या इस चीज नू कबूल कर लो या शिफात नू कबूल कर लो सिफारिश नू कबूल कर लो। आपने फरमाया वख्तरतु शफा मैं शफात नू पसंद कीता ताकि क़यामत वाले दिन ज्यादा तो ज्यादा आम पे उम्मतियां दी सिफारिश करवा के उन्होंने जन्नत के अंदर लेके जावा। उस नबी दा शान मुकाम सुन लो वमीन लैले फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। अल्लाह तआला ने फरमाया मेरे नबी क़यामत वाले दिन तेनू शाना दवांगा मुकाम दवांगा तेनू मुकामे महमूद अता कर दवांगा। और इसे तरह सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है आपने फरमाया उती तो खमसन अल्लाह ने मेनू पांच चीजा ऐसिया दितियां जेड़िया मेरे तो पहले अल्लाह ने किसे नबी नु अता नहीं कीतियां। आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोब दे नाल मेरी मदद की थी। मेरा दुश्मन एक महीने की मुसाफत ते हुंदा उथे बैठ के मेरे को डर जाए। आपने फरमाया वहिल्लत लियल गनाइम अल्लाह ने माले गनीमत मेरे वास्ते हलाल कर देता वजुइलत ली अल्लाहु मस्जिदं व तुहूरा। आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी जमीन मस्जिद बना दीती मेरी उम्मत वास्ते जिथे नमाज का टाइम होवे नमाज पढ़ लिया करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाउरसिलतु इलल खल्क काफा। आपने फरमाया अल्लाह ने मेनू क़यामत तक आने वाली इंसाना का नबी बना के भेजा। और पंजवीं चीज आपने फरमाया बाउती तु शफा अल्लाह ने मेनू शफात दा हकदार बना दिता। मैं क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत की सिफारिश करांगा। मुसलमानों तवज्जो दे नाल समाज फरमाना सही बुखारी किताब तफसीर के अंदर हदीस मौजूद है क़यामत दा दिन होएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बकरी दी एक दस्सी ल्यांदी गई। आपने एक दफा उस दस्सी नु नोचिया उस बाद आपने फरमाना सैयदुर नास यौमल कियामा। आपने फरमाया मेरे सहाबा क़यामत वाले दिन मैं आदम दी सारी औलाद दा सरदार होवांगा। इस बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी हदीस बयान की थी। आपने फरमाया क़यामत दा दिन बड़ा मुश्किल दिन होएगा सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा जमीन तांबे दी तरह बन जाएगी लोग पसीने दे अंदर होते खारे होंगे 50,000 साल का एक दिन 50,000 साल का बड़ी तकलीफ वाला तो बड़ी मुश्किल वाला दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग इस तरह खड़े होंगे अगर एक बंदा सबनों आवाज़ दे तो सारे की आवाज
सब तक ओदी आवाज पहुंच जाएगी। आपने फरमाया एक बंदा खड़ा हो के सब नु देख लेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त लोग थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे पसीने की वजह तो, गर्मी की वजह तो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग इकट्ठे हो के कहेंगे चलो अपना कोई सिफारशी लभिए जड़ा अल्लाह को जाके सिफारिश करे। लोग आदम अलैहि सलाम को इकट्ठे होके चले जाएंगे, आदम अलैहि सलाम नु कहेंगे आदम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहानू अपने हाथ दे नाल पैदा कीता और तुहाडे अंदर रूह पाई, आदम अल्लाह ने तुहाडा मस्कन जन्नत दे अंदर बना दिता, आदम तुसी सारी कायनात दे बाप हो, सारी इंसानियत दे बाप हो, आ जाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सामने इस्फालना गिला रब्बिक, अल्लाह दे सामने जाओ साडी सिफारिश कराओ। आदम अलैहि सलाम फरमान गए ऐ मेरे बेटे आओ अल्लाह ने मैनू मना कीता सी इस दरख्त दे लागे नहीं जाना, मेरे को अपने मालक दी एक ना फरमानी हो गई, मैं अल्लाह दे सामने नहीं जा सकदा। इन रब्बी कद खसिब अल्यौम खसबन लम यवसब कबलहु मिसलहु वलन यवसब बादहु मिसलहु। आदम अलैहि सलाम फरमान गए ऐ मेरे बेटे हो आज अल्लाह नु इतना गुस्सा है, ना इतना गुस्सा पहले कभी आया और ना कभी बाद दे अंदर आएगा, इस वास्ते मेरे कोलो अपने मालक दी एक ना फरमानी हो गई, मेनू डर लगदा है अल्लाह दे सामने किवें जावां, मैं नहीं जा सकांगा। आदम अलैहि सलाम साडे बाप नु एक गलती दी वजह तो डर लगदा है, लेकिन आज दा मुसलमान दिन भी गुनाहां दे अंदर, रात भी गुनाहां दे अंदर, रात भी सही आत मुनकरां दे अंदर, दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी नाफरमानियां दे अंदर, कदी सोचिया नहीं एक दिन अल्लाह दी अदालत दे अंदर भी जाना है, हिसाबो किताब भी देना है। आदम अलैहि सलाम फरमान के मेरे बेटो मैं नहीं जा सकता, तुसी नूह अलैहि सलाम को चले जाओ, सारे लोग इकट्ठे हो के नूह अलैहि सलाम को आ जाएंगे और आके कहेंगे नूह अल्लाह दे नबी अल्लाह ने तुहाडा नाम अब्दन शकूरा रखे आओ, साढ़े 900 साल दीन दी दावत दी तबलीग की, अल्लाह दे दीन वास्ते बड़ियां तकलीफां उठाइया, ऐ नूह जी अल्लाह दे सामने साड़ी सिफारिश कर दो कि हिसाब किताब शुरू हो जाए। लोग तकलीफ दे अंदर ने, नूह अलैहि सलाम कहेंगे मैं अपनी कौम वास्ते बद्दुआ कर दी थी, इन रब्बी कद खसिब अल्यौम खसबन लम यहसब कबलहु मिसलहु वलन यहसब बादहु मिसलहु, और मेरे रब नु इतना गुस्सा है पहले इतना कभी गुस्सा नहीं आया और न बाद दे अंदर कभी इतना गुस्सा आएगा, मैं अपनी कौम वास्ते बद्दुआ की थी सी, साढ़े 900 साल तबलीग करके बद्दुआ की चीज कहने डर लगता है कि अल्लाह मेनू पुछ ना लवे, मैं अल्लाह के सामने नहीं जा सकता। इब्राहिम अलैहि सलाम को चले जाओ, कौम इकट्ठी होके इब्राहिम अलैहि सलाम को आ जाएगी, आके कहेगी इब्राहिम तुहानू पता है सारी इंसानियत मुश्किल के अंदर तकलीफ के अंदर, चलो अल्लाह के सामने साड़ी सिफारिश करो, इश्फालना गिला रब्बिक। इब्राहिम अलैहि सलाम ही अपने उजर पेश करेंगे कि मैं अल्लाह दे सामने नहीं जा सकता, इन रब्बी कद खसिब अल्यौम खसबन, मेरे रब नु इतना गुस्सा है, ना इतना गुस्सा पहले कभी आया ना बाद दे अंदर आएगा। आखिया गया इब्राहिम तुसी अल्लाह दे खलील हो दोस्त हो, लेकिन इब्राहिम अलैहि सलाम ही जान तो इनकार कर देंगे और कहेंगे मूसा अलैहि सलाम को चले जाओ, मूसा अलैहि सलाम को लोग आ जाएंगे, आके कहेंगे इश्फालना गिला रब्बिक, ऐ मूसा तुसी पहले भी अल्लाह दे नाल गल्लां करदे रहिंदे हो, कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, ओहे दूर ते जाके अल्लाह नाल गल्लां कीतियां, ऐ मूसा चलो अज अल्लाह दे सामने साडी सिफारिश कराओ। मूसा अलैहि सलाम ही फरमान गए इन्ना रब्बी कद खसिब अल्यौम खसबन लम यहसब कबलहु मिसला, मेरा रब अज बड़े गुस्से दे अंदर है, ना पहले कभी इतना गुस्सा आया ना बाद दे अंदर आएगा।
मैं एक बंदा कतल कर दिता सी, मैं अल्लाह दे सामने नहीं जा सकदा, तुसी ईसा अलैहि सलाम को चले जाओ, ईसा अलैहि सलाम को लोग इकट्ठे हो के आ जाएंगे, आके कहेंगे ईसा तुसी रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह तुहाडा शान बड़ा मुकाम बड़ा, इस्पालना इला रब्बिक अल्लाह दे सामने सिफारिश करो। ईसा अलैहि सलाम भी कहेंगे इन्ना रब्बी कद खसिबल यौम खसबा, मेरा रब बड़े गुस्से के अंदर है, ना पहले कभी इतना गुस्सा आया, ना बाद के अंदर कभी इतना गुस्सा आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहि सलाम दे किसी गुनाह का जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी ईसा अलैहि सलाम कहेंगे मैं अल्लाह के सामने नहीं जा सकता, तुसी इस तरह करो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल चले जाओ। आपने फरमाया सारी इंसानियत इकट्ठी हो के मेरे को चाहेगी, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अल्लाह ते नबी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहाडे पहले भी गुनाह मुआफ कर दिते ते बाद वाले भी मुआफ कर दिते, चलो साडे नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सामने जाके साडी सिफारिश करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जवाब नहीं दवांगा, मैं लोगों के नाल चल पवांगा। मेरे नबी ने जिंदगी के अंदर भी कभी जवाब नहीं दिता। सही हदीस मौजूद है बुखारी मुस्लिम के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जदों में कोई आ गया आपने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लुटाया, कभी किसी को जवाब के अंदर ला नहीं आख्या कि मैं तेरा काम नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया के अंदर भी हाँ ही की थी। तो आपने फरमाया मैदान हशर के अंदर भी मैं जवाब नहीं दवांगा, मैं लोगों के नाल चल पवांगा। आपने फरमाया अल्लाह के अरश के थले जाके अल्लाह को इजाजत मंगागा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मैनू इजाजत दे दो, मैं तुहाडे सामने सजदा करा ताकि हिसाब किताब शुरू होवे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह दे सामने सजदा रे सो जावांगा, और दुनिया वाले दिन रात दे बराबर आपने फरमाया तीन दिन ते तीन रातां मैं सजदे दे अंदर रवांगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमदो सना बयान करांगा। ओ तारीफा उस वक्त अल्लाह मेरे ज़हन दे अंदर पाणगे जेड़ियां मैं अल्लाह दे सामने बयान करांगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उस बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुस्सा ठंडा होएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रासक या मुहम्मद, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, वशफा तुशफा सिफारिश करोगे मैं तुहाडी सिफारिश मन लवांगा, सल तो तहू सवाल करोगे मैं तुहानू अता कर दवांगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सवाल करांगा अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी इंसानियत तकलीफ अंदर परेशानी के अंदर हिसाब किताब शुरू कर दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब किताब शुरू करेंगे। आस मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल प्यार कर ले, उस नबी दे नाल मुहब्बत करया कर, उस नबी दी सुन्नत मर जाया कर, कट जाया कर, सारी दुनिया नु छड़ दिया कर भरा दे रिश्तेदारी नु, लेकिन उस नबी दा फरमान ना छड़या कर, सुन्नत ना छड़या कर। माशर दे दिन जदों तुपने सतौना कोई पीर तेरा नसरी नी आना, ते दरबान जन्नत कुंडा नीलोना जिना चिर मुहम्मदी इशारा नी होना। मुहम्मद नु छड़िया गुजारा नी होना कोई पीर तेरा सहारा नी होना, जिथे मूसा ईसा ते आदम भी डोले यूसुफ ते यूनस लुकन सारे ओले, हर नबी ओथे एहो बोल बोले बिना मूसफा दे छुटकारा नी होना। मुहम्मद नु छड़िया गुजारा नी होना कोई पीर तेरा सहारा नी होना।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिफातुल कुबरा मुकामे महमूद है, ओ जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह दे अरश दे थल्ले ऐ मुकामे महमूद है जिथे अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत दी सिफारिश करेंगे और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ऐ सिफात कुबरा सिफात उस्मा और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों का हिसाब किताब शुरू कर देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाद अना अव्वलुन्नास यस्मऊ फिल जन्नति, आपने फरमाया सब तो पहले मैं सिफारिश करांगा अल्लाह मेरी उम्मत नु जन्नत दा दाखला अता कर दे। अना अक्सरुल अंबिया किताबल यौमल कियामा, आपने फरमाया कयामत वाले दिन सब तो ज्यादा तादाद मेरे उम्मतियां दी होएगी। वाना अव्वलु मैं यकराऊ बाबल जन्नती, आपने फरमाया सब तो पहले मैं चाह के जन्नत का दरवाजा खड़कावांगा अपनी उम्मत नू नाल लेके। जन्नत का दरोगा पूछेगा कौन आया हो, मैं आखांगा मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता आखेगा अल्लाह की तरफों में मैनू गिलान होया सी जितनी देर तक मुहम्मद ना आए तो दरवाजा नहीं खुलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हां चाह के फिर अरश दे थल्ले मुकामे महमूद ते सजदा करांगा, अल्लाह को दुआवा करांगा, अल्लाह दिया हमदा सनामा बयान करदा रवांगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इरफा रासक या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, सल तो तहू वस्बातु शफा, जो मंगोगे मैं अता कर दवांगा, जेरी सिफारिश करोगे मैं सिफारिश नु मन लवांगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदखिल जन्नत मिन उम्मती का मल्ला हिसाब अलैहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे ऐ मेरे नबी जा जन्नत दे सजे दरवाजे चो जेड़े तेरे उम्मती नंगदे ने उन्होंने जन्नत दे अंदर ले जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत नु जन्नत दे अंदर लेके जावांगा, सब तो ज्यादा तादाद मेरे उम्मतियां दी होएगी जन्नत दे अंदर ले जान वाले। मैं सुहासे मुसलमान नु दावत देने जाना, आओ उस नबी दी इताअत कर लो, आओ उस नबी दी गल्लां मान लो, आओ उस नबी दी सुन्नतां दे नाल प्यार कर लो, आओ उस नबी दी हदीसां दे नाल प्यार कर लो, उस नबी दे नाल सच्चा प्यार कर लो, दुनिया भी बन जाएगी आखरत भी बन जाएगी। क्यों ना फिर ऐलान कर दा जावा क्या बात नबी सुल्तान दिया, गुम्मा पै गईया जग बिच आन दिया, क्या बात नबी दी शान दिया, मक्का सोना ते सोना मदीना है जिते आया नबी नगीना है, मक्का सोना ते सोना मदीना है जिते आया नबी नगीना है, ओ दा साफ बलोरी सीना है, ओ दा साफ बलोरी सीना है, ऐता दस दिया ने कुरान दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लम नशरह लका सदरक, आयत दस दिया ने कुरान दिया। आओ मेरे नबी दा शान सुन लो मुकाम सुन लो, जिथों एक बारी आका लंघ जांदा उन थावां नू रब रंग लांदा, ओ टुकड़ा जन्नत दा कहलांदा, ओ टुकड़ा जन्नत दा कहलांदा, अल्लाह कीमत दवे उथे जान दिया, क्या बात नबी सुल्तान दिया, तुम पै गई जग बिच आन दिया। आओ स्पीड दे नाल प्यार कर लो, ओदे नाल मुहब्बत कर लो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला को बयान कर देने तबरानी दे अंदर हदीस मौजूद है, आपने फरमाया फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबुल आराब दी सिफारिश करने। Okay.
असहाबुल आराफ वो लोग ने जिन्हें दिए नेकियां तो गुनाह बराबर हो जाएंगे, नेकियां भी होनिया गुनाह भी होने। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत जहन्नम के दरमियान एक जगह है आराफ, उथे इन्हों ठहरा देंगे जिथे ना तो जन्नत दिया नेमता होनगियां ना जहन्नम दिया सजावं होनगियां। अज असी कहने नमाज की लोड़ ही कोई नहीं, रोजे की लोड़ ही कोई नहीं, बस आप चले जाना है। मेरे भाइयों वीरो समझो इस बात नूं कि जिन्हां दियां नेकियां गुनाह बराबर ने ओ जन्नत च नहीं दाखिल होएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दरमियान दे अंदर ठहरा देंगे। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला नूं फरमाया करदे सी, यदखुलूनल जन्नत अस्साबिकु यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाबिन। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला नूं फरमाया करदे सी, ओ लोग जिहड़े नेकियां दे अंदर वक्त करने वाले शौक के नेकियां करने वाले नमाजा के अंदर अगे जकात के अंदर अगे कुरान पढ़ने के अंदर अगे सदका करने के अंदर अगे खर्च करने के अंदर अगे हर नेकी दे काम के अंदर पेश पेश ने नेकी दा काम सारे नालों पहले करते। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला नूं फरमांदे या दुखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाबिन, ऐसे लोगों नूं अल्लाह बगैर हिसाब तो जन्नत दा अखलाता कर देगा। वल मुक्तसिदु बिरहमतिल्लाही, और इसो बाद ओ लोग जिन्होंने नेकियां भी कीतियां ते नाल नाल बुराइयां भी कीतियां। नबी सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला नूं फरमांदे, ऐसे लोग अल्लाह दी रहमत दे नाल जन्नत दे अंदर जाएंगे। वसालिमु लिनफ्सिही वअसहाबुल आराफी, ओ लोग जिन्होंने अपनी जाना ते जुल्म कीता तो गुनाह कीते, और इस तरह असहाबुल आराफ जिन्हां दियां नेकियां ते बुराइयां बराबर हो गईयां। नबी सल्लल्लाहु यदखुलूनल जन्नत बिशिफाअति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ सोहणे नबी दी सिफारिश दे नाल जन्नत दे अंदर दाखिल होणगे। साढ़े वर्गे जिहड़े तक्का स्टार्ट नेकी दे काम विच असीं अगे अगे नहीं बल्कि पिछे पिछे रहना, कोशिश हुंदी कि पिछली सफ च जाना है, सदका खैरात करना है। तो यह नहीं कि सब तो पहले मैं करा, बल्कि सोचना है उन्हें की दिता है उन्होंने वेख के फिर आप घट ही हिसाब किताब लावांगे। भाइयों यह चीज़ा नहीं, असाबिकु नेकी दे अंदर मुसाबका करो, मुकाबला करो, बढ़ चढ़ के नेकियां करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे साबुल आराफ दी, आप दी सिफारिश दे नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं जन्नत दा दाखला अता कर देगा। आओ तुहाडा नबी तुहाडे नाल कितना प्यार करदा है, मुहब्बत करदा है। सही मुस्लिम दे अंदर हदीस मौजूद है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बयान करदे ने, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इब्राहिम अलैहि सलाम दी दुआ दा जिक्र कीता। इब्राहिम अलैहि सलाम दुआ कर रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरन मिनन्नासी फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग ने जिन्होंने बहुत ज्यादा नु गुमराह कर दिता, जिहड़ा मेरी पैरवी करेगा वह मेरा है, जिहड़ा मेरी नाफरमानी करेगा तू बख्शन वाला है रहम करने वाला है। और उस बाद आपने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया, ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नक أنت العزيز الحكيم। अल्लाह अगर असाब देगा तो बंदे तेरे ने, अगर मुआफ कर देगा तो बख्शन वाला है रहम करने वाला है। इस बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू कर दिता, आंसू बहाने शुरू कर दिते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमाना तो जबरील अलैहि सलाम नु भेज दिता, ऐ जबरील जल्दी चला जा मेरे सोहने महबूब नु पुछ के आ, अज रोंदे क्यों पे हो, आंसू क्यों बहा रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिब्रील अलैहि सलाम आन गया के पुछणगे सोहणिया क्यों रो रहे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मैं रो रहा अपनी उम्मत की वजह तो, क्यामत वाले दिन मेरी उम्मत दे नाल की सलूक करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमान के जिब्रील
जा जल्दी चला जा मेरे महबूब नु जाके बिशारतां सुना दे। इन्ना सनुरसी कफी उम्मती का बला नसुआ का, ऐ मेरे नबी असी तेनू राशी कर दवांगे, तेनू खुश कर दवांगे, तेनू रुसवा नहीं करांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे अपनी उम्मत दी वजह तो, क्यों ना फिर ऐलान कर दा जावा, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जिब्रील अमी बोले सिदरा के मुकी बोले, तुझसा न हुसी देखा लाखों में हजारों में। अल्लाह ने उम्मत की बख्शिश का किया वादा, रोते हुए जब देखा, रोते हुए जब देखा, रोते हुए जब देखा महबूब को वारों में। तेरा नबी गारां दे अंदर रो रहा तेरी वजह तो है उमतिया, लेकिन आज तू उस नबी का हया नहीं करदा, उस नबी दे नाल प्यार नहीं करदा। आओ सही बुखारी दे अंदर एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्दी जन्नत दे अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम दे अंदर चले जाएंगे। और आपने फरमाया मेरी उम्मत दे लोग जिन्होंने कबीरा गुनाह कीते, अल्लाह दी ना फरमानियां कीतियां, आपने फरमाया मैं फिर अल्लाह रब थले जाके सजदा करांगा, और मैं सजदे दे अंदर प्याला दी हमदा सनावा बयान करदा रवांगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर खुश होंगे, फरमानगे इन फारासक या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, सवाल करो, तुहाडा सवाल मैं लवांगा। आपने फरमाया मैं आखांगा रब्बी उम्मती, हर नबी आखेगा नफसी नफसी, मेरी जान अज मैदान हशर दे अंदर, लेकिन तेरा ते मेरा नबी शान वाला मुकाम वाला इस्तां वाला, जिस नबी दा तू हया नहीं करदा, आसमाना दा रब उहदा बड़ा हया करदा है, उहदा हया जबरील अलैहि सलाम भी करदे, मलाइका भी उहदा हया कर दे, उस नबी दा हयात जंगल दे दरिंदे भी कर दे, उस नबी दा हयात ऊंट बकरियां ते पहाड़ भी कर दे, जिस नबी दा मुसलमान तू हया नहीं करदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां का गा रब्बी उम्मती, अल्लाह मैनू अपनी उम्मत दी फिक्र है, उम्मत दे नाल नबी नू कितना प्यार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमानगे फन तालिक फखरिच मनहा मिलहा मन काना फी कल्बिहि मिसकाल शईरतिन मिन ईमानिन, ऐ मेरे नबी चले जाओ, ओ उम्मती जहन्नम दे अंदर तुहाडे जिन्हां दे दिल दे अंदर जौ दे दाणे दे बराबर ईमान है, उन्हां नू कढ के ते जन्नत दे अंदर लैके आ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अर्श दे थल्ले सजदा करांगा, अल्लाह नू आखांगा या अल्लाह अल्लाह दी हमदा सनावा बयान करांगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतवज्जे होंगे, फरमानगे ऐ मेरे नबी की चांदे हो सवाल करो, तुहाडे सवाल नू मैं लवांगा। आपने फरमाया मैं फिर आखांगा रब्बी उम्मती, अल्लाह मैनू अज अपनी उम्मत दा फिक्र है, मैनू अपने खानदान दा फिक्र नहीं, मैनू अपनी औलाद दा फिक्र नहीं, अल्लाह मैनू अज अपनी उम्मत दा फिक्र, उम्मत दे नाल नबी नू कितना प्यार है, कितनी मुहब्बत है। आओ सही मुस्लिम दे अंदर एक होर हदीस मौजूद है, मीठे मदनी करीम ने फरमाया लिकुल्ली नबीन दावतुन मुस्तजाबतुन, आपने फरमाया तवज्जो दे नाल इस हदीस नू समाप्त फरमाना, आपने फरमाया हर नबी नू अल्लाह ने कैसी दुआ दी थी, जड़ी दुआ अल्लाह नबी दी जरूर कबूल कर दे।
فتعجل كل نبي आपने फरमाया हर नबी ने जल्दी की थी उस दुआ नु दुनिया ते कर ले आओ इन इख्तबात दावती लेकिन आपने फरमाया मैं अपनी उस दुआ नु छुपा के रखे आओ दुनिया दे अंदर बड़िया तकलीफां आईया कदी बैतुल्लाह दे अंदर गल दे अंदर साफा पा के घसीटिया गया लेकिन उस दुआ नु नहीं कीता कदी बैतुल्लाह दे अंदर मेरे ते ओदरियां सुट दित्तियां गईयां लेकिन उस दुआ नु नहीं कीता कदी ताज दे अंदर पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिता गया लेकिन मैं उस सवाल नहीं कीता कभी मेरे सामने सैयदना बिलाल नु कोलियां ते लटाया गया लेकिन मैं उस सवाल नहीं कीता और कभी मेरी बेटी ज़ैनब नु जख्मी कीता गया मैं उस सवाल नहीं कीता सहाबा सवाल करते ने सोने ओ दुआ कदे वास्ते छुपा के रखी आपने फरमाया कयामत वाले दिन मैं अपने कमले रमले उमतियां दी सिफारिश करांगा उस सवाल दे नाल नबी नु तेरे नाल कितना प्यार है आपने फरमाया फिर मैं अल्लाह दे अर्श दे थल्ले सजदे दे अंदर चला जावांगा अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर फरमाएंगे ऐ मेरे नबी जो सवाल करोगे तुहानू अता कर दवांगा मैं आखांगा रब्बी उम्मती अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे फंतानिक फखरिज मिनहा मन काना फी कल्बिहि मिस्काल सर्रतिन औ खरदलतिन मिन ईमानिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमान के मेरे नबी चले जाओ जेड़े उम्मती दे दिल दे अंदर एक जर्रे दे बराबर राई दे दाने दे बराबर भी ईमान है उन्हें भी जहन्नम चो कढ़ के जन्नत दे अंदर लेके आ जाओ लेकिन कईयां ने हदीस सुननी ना उन्होंने कहना लो नमाज की लोड़ ही कोई नहीं रोजे की लोड़ ही कोई नहीं राई के दाने जिन्हें तो साढ़े बच्चे है ही आ इस वास्ते सानू नबी सल्लम ने लै ही जाना लै आपने जाना लेकिन जहन्नम वाले पासे पहले गुलाई होनी है सफाई होनी है ठुकाई होनी है फिर पाक करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे पासे लेके जाना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर हिसाब तो पहले लोगों के अंदर ही अल्लाह जन्नत का दाखला अता करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं उन्होंने लोगों को जहन्नम च ले जावांगा जिन्होंने दिल के अंदर जर्रे के बराबर भी ईमान है फिर मैं अल्लाह के अर्श के थले जाके अल्लाह को सजदा करांगा दुआ करता रहांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब ने इज्जत फरमान के इरफा रासका सल तो तहू मेरे नबी सर उठाओ सवाल करोगे मैं मन लवांगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं फिर आखांगा रब्बी उम्मती अल्लाह मैनू अपनी उम्मत का फिक्र है अल्लाह रब ने इज्जत फरमान के फल तालिक फखरिज मिनहा मन कान फी कल्बिहि अदना मिस्काल सर्रतिन औ खरदल मिन ईमानिल फअखरिजहु मिनन नार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे ऐ मेरे नबी जा चला जा जेड़े तेरे उम्मती दे दिल दे अंदर जर्रा सर्रे तो घट ईमान है ओसो घट ईमान है ओसो घट ईमान है ओनू भी कढ़ के जहन्नम चो तो जन्नत दे अंदर लै जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का कितना फिक्र है आओ मुसलमान उस नबी दे नाल प्यार कर लो मुहब्बत कर लो आओ पंज ऐसे अमल ने जेड़े असी करिए तो सानू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सिफारिश नसीब होएगी सही मुस्लिम दे अंदर सही बुखारी दे अंदर हदीस मौजूद है मीठे मदनी करीम ने फरमाया आपने फरमाया जेड़ा बंदा अजान सुने ते अजान दा जवाब दवे अजान दा जवाब दवे और आपने फरमाया अजान तो बाद मेरे ते दुरूद पढ़े अजान तो बाद मेरे ते आपने फरमाया दुरूद पढ़े अल्लाह रब्बुल इज्जत दस रहमत नाज़िल करेगा और आपने फरमाया उस तो बाद मेरे को अल्लाह रब्बुल इज्जत को वसीला मंगे आपने फरमाया वसीला जन्नत दे अंदर एक मुकाम दा नाम है जगह दा नाम है आपने फरमाया इस दुआ नु पढ़े अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति तामा वस्सलातिल क़ागिमा आती मुहम्मदनिल वसीला والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي بعثه ऐसे बुखारी से मुस्लिम दे अंदर आपने फरमाया जना बंदा अजान सुन के उदा जवाब दवे ते मेरे ते दुरूद पढ़े और उस बाद इस दुआ नु एक दफा पढ़ ले हलत लहू शिफाती यौमल कियामा आप
आपने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं अपने उम्मती दी जरूर सिफारिश करांगा। इस वक्त इरादा कर लो, तहिया कर लो, आज तो बाद असां दा जवाब भी देना, दुरूद भी पढ़ना, दुआ भी पढ़नी, और दूसरा अमल सुन लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही जामे उस सगीर के अंदर हदीस मौजूद है, आपने फरमाया जना बंदा सुबह मन काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैया सलातन हीना युस्बिहु अशरल व हीना युमसी अशरल अदरकतहु शफाअती यौमल कियामा। आपने फरमाया जना बंदा सुबह 10 दफा मेरे ते दुरूद पढ़े ते शाम नु भी 10 दफा मेरे ते दुरूद पढ़े। आपने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं अपने उस उम्मती दी जरूर सिफारिश करांगा। तीसरा अमल सुन लो, सही बुखारी दे अंदर हदीस मौजूद है, सही जितना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने एक दिन सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन असदुन नास बिशफाअतिका, अल्लाह के रसूल मैनू दसो क़यामत वाले दिन तुहाडी सिफारिश कैनू नसीब होएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सवाल सुनिया ना, आपने फरमाया अबू हुरैरा मैनू भी यकीन सी कि यह सवाल तेरे तो सिवा कोई नहीं कर सकता। बाद शगिर्द बड़े ज़हीन होंदे ने, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला आखिरी उम्र च मुसलमान होए, लेकिन हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ नहीं छड़िया। फाके आए, गुरबत आई, आप दे नाल ही चिमटे रहे। आपने फरमाया अबू हुरैरा तैनू हदीस सुन दा बड़ा शौक रहिंदा, मैनू भी उम्मीद सी तेरे तो सवा है कोई सवाल नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा सवाल कीता है, जवाब सुन लो। असादुर नास बिशफाअती यौम अल-क़ियामा मन قال لا إله إلا الله مخلصا في خالصا من قلبه أو نفسه। आपने फरमाया अबू हुरैरा क़यामत वाले दिन मेरी सिफारिश उन्हें मिलेगी जिन्हें दिलों ला इलाह इल्लल्लाह दा इकरार किया, जिन्हें दिलों जान दे नाल ला इलाह इल्लल्लाह आख्या, ऐ नहीं कि ला इलाह इल्लल्लाह भी कहना है, नाल नाल गैरुल्लाह को मदद भी मंगनी, ला इलाह इल्लल्लाह भी कहना है, नाल नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत नु छड़ के होरां दे नाम दी गैरुल्लाह दे नाम दी नसर और नियाज भी देनी, ला इलाह इल्लल्लाह भी पढ़ना है, कब्रां ते जाके सजदे भी करने, ए चीज नहीं, बल्कि जिन्हें दिलों यकीन दे नाल ईमान दे नाल ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया। आपने फरमाया मैं उहदी सिफारिश करांगा। और उस बाद चौथा अमल सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे नु ईमान दी हालत च मदीने दे अंदर मौत आए, क़यामत वाले दिन मैं उहदी सिफारिश करांगा। दुआ करो अल्लाह मदीना भी विखाए तो मदीने च भी मौत भी दे दे। मौत एक दिन आनी आनी, चलो अल्लाह मदीने दे देवे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हों मदीने के अंदर मौत आई मैं उसकी सिफारिश करांगा। पंजवा अमल सुन लो, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल एक सहाबी आए, आप दे खादम मरद सी या औरत सी। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, सही सनद के नाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं। आपने फरमाया लाका हाजत है, मेरे खादम कुछ है चाहिए तो मैनू दस। कह लगा हाजती अंतस्वाली यौमल कियामा, अल्लाह दे रसूल दुनिया दी कोई चीज नहीं चाहिदी, मेरी इको ख्वाहिश है क़यामत वाले दिन मेरी सिफारिश कर देना, अल्लाह मैनू जन्नत अता कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन दल्लका अला हाजा, ओ तेरी रहनुमाई किने की, तू इतना डूंगा जै सवाल कर लिया, मैं तो सोचा सी कोई दाने को आटा को साढ़े वर गया उमती हुंदा तो उन्हें कहना सी अल्लाह दे रसूल मुरब्बा जमीन दा लै दो, मार्केट लै दो, बाजारो लै दो, करोला लै दो, दुनिया मंगनी सी। आपने फरमाया मन दल्लका अला हाजा, तेरी यार किने रहनुमाई की, इतना अच्छा सवाल किया है। फरमान लगे अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रब ने मेरी रहनुमाई की इस हवाले दे नाल। आपने फरमाया मेरे खादम मैं तेरी सिफारिश करांगा, लेकिन एक काम तेनू करना पेगा। कह लगे सोने दसो, आपने फरमाया फाइनी बिकसरत सुजूदी, आपने फरमाया फर्जी नमाजा के नाल नाल नफली भी पढ़िया कर, क़यामत वाले दिन तेनू मेरी सिफारिश नसीब हो जाएगी। लेकिन अज दे उम्मती ऐसे ने नमाज की परवाह कोई नहीं, जिस तरह मैं एक बुजुर्ग नूं आख्या, मैं कहा जी नमाज पढ़िया करो, कहिंदे जी मैं दरूद पढ़ता रहिना, मैं दरूद बैठा पढ़ता रहिना, तो नमाज की लोड़ ही कोई नहीं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत दी कसम है ऐसे लोगों का दीन इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, कोई ऐसा दीन नहीं, हर दीन के अंदर नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सिफारिश सुनो नसीब होएगी जड़ा नमाज पढ़ेगा। सारे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश लैनी ना इंशाल्लाह, तो नमाज नहीं चरनी आज तो बाद इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बंदे ऐसे ने जिन्हां दी आपने सिफारिश नहीं करनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उन्हां दी सिफारिश नहीं करांगा। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है वाहिया लिमन मा तला युशरिक बिललाह शैया, आपने फरमाया मैं उहदी सिफारिश करनी जिन्हें अल्लाह दे नाल शिरक नहीं कीता, जिन्हें अकीदे दे अंदर शिरक आ गया, जिहड़ी नमाज के अंदर शिरक आ गया, और जरा मुशरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उसकी सिफारिश नहीं करनी क्यामत वाले दिन। इस वास्ते मुसलमानों हर गुनाह माफ हो जाएगा लेकिन मुशरक नु अल्लाह ने कभी माफ नहीं करना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बल्कि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहद लोगों की सिफारिश करके जन्नत के अंदर ले जाएंगे और उस वक्त मुशरकीन कहेंगे फहलना मिन सानू अज कोई अपना सिफारशी नजर नहीं आ रहा। और उस वक्त कहेंगे रूबा मा या बदुल्लदीन कफरो लौकानो मुस्लिमीन, काश असी भी मुसलमान होंगे अज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश सानू नसीब हो जाती। तो आपने फरमाया जड़ा बंदा मुशरक है जिदे अकीदे के अंदर शिरक है जिदे अमाल के अंदर शिरक है मैं क्यामत वाले दिन उसकी सिफारिश नहीं करनी। और दूसरे नंबर से फमा तनफउहुम शफातुश शाफीन, जिहड़ा बेनमाज है आपने फरमाया मैं उसकी सिफारिश नहीं अल्लाह की अदालत के अंदर करनी। इस वास मुसलमानों नमाज का ख्याल करया करो। और तीसरे नंबर से फतुल बारी के अंदर हदीस मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा मेरी शफात का मुनकर बन जाए जिहड़ा मेरी शफात का इनकार कर दे आपने फरमाया उसकी सिफारिश भी क्यामत वाले दिन मैं नहीं करनी। तीन गुनाह ऐसे ने जिरी वजह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश नहीं करनी। और मुसलमान उस नबी दे नाल प्यार कर लो, उस नबी दे नाल मुहब्बत कर लो, अगर चाहते हो क्यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लम दा साथ मिल जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिफाकत मिल जाए, तो फिर कोशिश करो नमाज नहीं छड़ना, नमाज का जरूर इहतमाम करना है। और ए मसाइल जड़े ने तहरीर भी किए ने पंज अमल ऐसे जिन्हां दे जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिलेगी। और तीन गुनाह ऐसे ने अगर साढ़े अंदर आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब नहीं होनी। है तहरीर भी किए ने बाद के अंदर साथी लेके जाना और कोशिश करो कि इन्ह चीज़ों अपने अंदर पैदा करिए और वह गुनाह जिन्हों की वजह तो आपकी सिफारिश नसीब नहीं होनी उन्होंने गुनाहों छड़िए ताकि क्यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिल जाए तो बगैर हिसाब तो जन्नत मिल जाए। धक्का स्टार नहीं बनना, धक्का स्टार के हर काम के अंदर पीछे 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 नहीं रहना बल्कि नेकी के कामों के अंदर बद के हिस्सा लोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह जरूर बगैर हिसाब तो जन्नत अदा करेगा। और जिन्हों अल्लाह ने पूछ लिया वो हिसाबो किताब नहीं दे सकेगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अदा करे। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।